वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज है फ्राइडे का दिन और देखें तो नैनीताल में ऑलमोस्ट वीकेंड है और आज काफ़ी पर्यटक सैलानी रोइंग बोट्स के लिए नैनी लेक में, जो कि नौकायन के लिए गए हैं यहाँ से, और काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में नैनी लेक का सुंदर व्यू, और इधर की तरफ देखें तो काफ़ी ही लोग बोटिंग कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तो अगर आप लोग नैनीताल आ रहे हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो ये आने वाला वीक है, मतलब कल से ही यहाँ पे एक हफ्ते के लिए, जो कि 5-6 दिन के लिए बारिश शुरू हो जाएंगी। और देखें तो आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग मोस्टली टू व्हीलर्स को आप लोग अवॉइड कीजिए। जब बारिश हो रहा हो तो उस समय टू व्हीलर्स राइड अवॉइड कीजिए, और अगर टू व्हीलर राइड कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए आप लोग। और देखिए तो ऐसा कुछ मौसम आने वाला है, तो हाईवेज़ में देखा जाता है थोड़ा बहुत जो कि पत्थर गिरता है पहाड़ों से भी, तो ऐसे कंडीशन में तो आप लोग अवॉइड ही कीजिए जर्नी को बारिशों में। तो ऐसा कुछ है, और रोड के सारे रूल्स भी आप लोग फॉलो कीजिए, और एकदम से देखें तो गाड़ी बहुत तेज़ नहीं चलानी चाहिए पहाड़ों में। तो स्पीड लिमिट्स जो कि रोड हमारी गवर्नमेंट है, तो सारे ही कुछ वहाँ पे मेंशन रहता है रोड में। तो ऐसा कुछ है अभी, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और दिखाता हूँ क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो देखें तो अभी सामने ही नैनी, जो कि माफ़ कीजिएगा, ये बोट हाउस क्लब में यॉट बोट्स आज ऑर्गेनाइज हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं बोट्स। और यहाँ की तरफ देखें तो काफ़ी पर्यटक सैलानी आज के दिन नौकायन के लिए जा रहे हैं। और ये देखें नैनी झील में काफ़ी स्तर में नौकायन चल रहा है। और ये देखें इस तरफ है ये बोट स्टैंड, और यहाँ से बोटिंग्स के लिए जाया जाता है। और आइए चलते हैं यहाँ से इधर की तरफ को, और देखें तो यहाँ पे पर्यटक सैलानी काफ़ी रेस्ट भी कर रहे हैं। तो आइए इधर की तरफ आपको लेके चलता हूँ, और इधर देखते कितना कुछ रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है आज के दिन। तो ऑलमोस्ट क्योंकि वीकेंड ही है नैनीताल में, और यहाँ पे देखें तो इन क्लोथ्स में आप यहाँ पे फोटोग्राफी खिंचा सकते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफर्स अवेलेबल रहते हैं। और इधर की तरफ देखें तो यहाँ पे बैंड स्टैंड स्थित है, और जो कि ये एरिया है अभी भी क्लोज्ड है, मगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी लोग इस कॉर्नर में भी नज़र आ रहे हैं। और जो कि ये एरिया इस वजह से क्लोज है कि यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे ये दीवार गिर रहा है, तो जल्दी इसका रिनोवेशन वर्क भी शुरू हो जाएगा, मगर देखें तब तक जाना है यहाँ पे ये लैंडस्लाइड जो कि प्रोन एरिया हो रहा है थोड़ा सा नैनीताल में। और इधर की तरफ से आपको एक बार और झील दिखा देता हूँ, तो ये देखें तो ये कुछ पर्यटक सैलानी अपनी जो कि नौकायन पूर्ण करके किनारे की तरफ आ रहे हैं। और देखें मौसम की बात करें तो नैनीताल में मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, तो हल्की सी धूप थी अभी सुबह के समय में, और देखें तो अभी मौसम घिर आया है, और जल्दी जो कि वेदर डिपार्टमेंट की ये प्रेडिक्शन है कि बहुत ज़ोर से जो कि बारिश होने वाली है 3-4 दिन के लिए यहाँ पर। देखें तो अगले हफ्ते पूरा ही बारिश का दिखा रहा है, और ये देखें, और इस एरिया में देखें कुछ इन प्रिंट्स में आपको यहाँ पे फोटोग्राफी खिंचाते हैं, और ये प्रिंट्स यहाँ से अवेलेबल रहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सारे ही क्लोथ्स इधर की साइड में रखे हैं, तो आप आ सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये देखें। और यहाँ जो कि बोट के चार्जेस हैं, 420 रुपया फुल राउंड है, और 320 रुपया जो कि हाफ लेक राउंड है, ऐसा कुछ है। आइए चलते हैं, अभी के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और ये देखें सामने ही लिखा है यहाँ पे मछली को चारा खिलाना सख्त मना है, और ये देखें तो ये बंद है इस तरफ, मगर अंदर लोग नज़र आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, और आज के दिन देखें तो वीकेंड से ही यहाँ पे ये मार्केट ऑर्गेनाइज है, तो अभी 1:30 बजे के आसपास का समय हुआ है, और देखें तो यहाँ पर ये सारा ही मार्केट ऑर्गेनाइज है, और यहाँ पर काफ़ी ही रश है आज के दिन। देखिए वीकेंड में आमतौर पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नैनीताल विज़िट करने आते हैं, और ये देखिए जो कि अभी रिसेंटली रिक्शा नैनीताल में लॉन्च हुआ है, जो कि अभी रिसेंटली ये मॉल रोड में चलने लगा है, जो कि इससे पहले पुराने वाले रिक्शे चलते थे नैनीताल में। और ये देखें यहाँ पे भुट्टे मिलते हैं, और आज काफ़ी रश है यहाँ पर दिन के समय में। तो आइए सीधे आगे जाएँगे, तो आइए जो कि मलिताल गुरुद्वारा साहिब में पहुंचने वाले हैं हम, और ये भोटिया मार्केट तिब्बतन मार्केट चाट पार्क का एरिया है, और सामने ही यहाँ श्री माँ नैना देवी जी का टेंपल है।
तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। और अभी हम यहाँ पे हैं, हमारे राइट हैंड में देखें तो यहाँ पे मालीताल का कार पार्किंग है, और देखें तो ये ऑलमोस्ट ये भी फुल है पार्किंग। तो ये देखें यहाँ पे, और बाइक्स के लिए पार्किंग इधर की तरफ है, और आज के दिन बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो ये मैं इसे आपको दिखाता हूँ। तो सामने ये भोटिया मार्केट का एरिया है, और यहाँ देखा जाए तो ये मार्केट बहुत बिजी रहता है आमतौर पर शाम के समय। आज दिन में ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। और ये देखें सामने ही तिब्बतन मार्केट है, और श्री मानेन्द्र देवी जी का टेंपल इधर है। तो आइए मैं अभी आपको आगे ही लेके चलता हूँ। और अभी यहाँ पे देखें तो हम हैं मालीताल गुरुद्वारा साहिब के सामने। तो ये देखें, और देखिए तो हमें अभी चाट पार्क मार्केट के सामने, और यहाँ पे ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है। तो जब भी आप मॉर्निंग में यहाँ पे आएँ या डे में लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए, आप इधर इस मार्केट में विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग्स में सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं, और यहाँ के फेमस जो कि रेस्टोरेंट हैं चाइना टाउन और हार्ड रॉक जो कि हमारे सामने हैं, और यहाँ पर आप लोग फूड ट्राई कर सकते हैं। तो इंडिया की ऑलमोस्ट सारी ही कुजिन्स यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो देखें तो अभी बहुत ज़्यादा ही रश है यहाँ पे। और यहाँ से सामने ही देखें हमारे जस्ट अपोजिट में, तो यहाँ पे ये भोटिया मार्केट, तो माफ़ कीजिएगा तिब्बतन मार्केट का एरिया है। और ये स्टार्टिंग में ही देखा जाए तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत लार्ज वैरायटी है क्लोथिंग की। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो आप स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ से क्लोथ्स मिल जाएंगे गर्ल्स के लिए। और हम हैं अभी श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर के मुख्य द्वार में। तो आइए और मंदिर में देखते हैं कि अभी कितने भक्त श्रद्धालुगण उपस्थित हैं। तो ऑलमोस्ट जैसे जो कि वीकेंड शुरू ही हो गया है नैनीताल में, और यहाँ पे शुरुआत में ही प्रसाद की दुकानें हैं। तो आइए चलेंगे अंदर और दिखाते हैं आपको। तो आइए प्रवेश कर लिया है हमने मंदिर के अंदर, और यहाँ देखें तो आज के दिन काफ़ी ही भक्त श्रद्धालुगण मंदिर में उपस्थित हैं। और ये देखें इस तरफ ये माता जी का जो कि मुख्य मंदिर है। तो आज यहाँ पे कुछ पेंट का भी वर्क चल रहा है शायद, तो देखें तो सीढ़ी लगी है। और यहाँ पे शुरुआत में ही देखें तो जूते चप्पल उतारने का स्थान है। और अगर इधर की तरफ देखें यहाँ पे भगवान श्री भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थित है, और ये सारा ही एरिया नैनी झील का ये एरिया है। तो लोग काफ़ी ही बोटिंग भी कर रहे हैं आज। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है सर्वप्रथम। और आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ, और आइए कीजिए दर्शन हनुमान जी के। तो कुछ वैसे हैं भगवान जी, और ये देखें आप। और अभी किस समय देखें बाहर ही से ही श्री माँ नैना देवी जी के दर्शन भी यहीं से संभव हैं। और ये देखें कुछ ऐसी हैं माता जी। तो अंदर से यहाँ सीधा प्रसारण है, और देखें तो आज के दिन काफ़ी ही भक्त श्रद्धालुगण यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये देखें मंदिर प्रांगण। अभी हैं ठंडी सड़क बोट स्टैंड में, और यहाँ से देखें तो मेरे बैकग्राउंड में श्री माँ नैना देवी जी का बहुत ही सुंदर एक मंदिर है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा है नैनी झील का व्यू, और मंदिर में कितना कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखें तो सामने ही ये श्री माँ नैना देवी जी का मंदिर है, और इधर की तरफ देखें काफ़ी लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। और भगवान श्री भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थित है सबसे सामने, जो आपको सफ़ेद रंग का ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप देखें तो सेकंड फ्लोर में यहाँ पे विष्णु के सारे ही स्वरूप यहाँ पे हैं, तो जो कि भगवान विष्णु जी हैं उनके अवतार जितने भी हैं, तो आपको यहाँ पर मंदिर है उनका। और ये देखें ये है श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर का मुख्य मंदिर बीच में, और ये देखें। और यहाँ सामने देखें तो यहाँ बोट स्टैंड है उस तरफ जहाँ पे हमने अभी वीडियो शुरू किया था। और यहाँ से देखें तो नैनी झील में तो बोट्स मैन अपनी बोट लेके जा रहे हैं बोट स्टैंड में। और सामने देखें तो पैडल बोट का आनंद भी ले रहे हैं पर्यटक सैलानी। तो ये देखें सामने, और इधर की तरफ देखें तो तरीताल के एरिया में बहुत ही ज़्यादा जो कि बोटिंग नज़र आ रही हैं। यहाँ सामने की तरफ है मॉल रोड, और ये देखें तो ये लाइब्रेरी है मॉल रोड में। तो ऐसा कुछ है अभी यहाँ से व्यू।
तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, और मैं हूँ अभी इस तरफ। तो देखें यहाँ से भी पर्यटक सैलानी काफ़ी अपना कुछ नौकायन पूर्ण करके आ रहे हैं, और कुछ लोग जो कि बोटिंग्स के लिए यहाँ से जा रहे हैं। आइए चलते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं ठंडी सड़क, और यहाँ से देखें तो नैनी झील में काफ़ी लोग साइड बाय साइड जो कि नौकायन के लिए जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हैं हम अभी। तो ये देखें ठंडी सड़क है, और सामने ये देखते हैं यहाँ पे लंगूर भी काफ़ी, यहाँ पे लंगूर की एक्टिविटीज़ है, और ये वैसे कुछ करते नहीं हैं जब तक इनको छेड़ा नहीं है। तो दिन में सामान्य तौर पे ये लोग यहाँ पे सुबह धूप सेकने आते हैं, और ये एक शांत जगह है, तो इस वजह से भी यहाँ पे बंदर्स, जो कि ये ग्रे लंगूर था, तो ये इनकी एक्टिविटी यहाँ पे रहती है। और यहाँ से देखें बहुत ही अमेजिंग व्यू है नैनी लेक का, और ये देखें, और यहाँ की सारी बोट्स अभी जो कि है नैनी लेक में नौकायन के लिए गई हैं। तो ये देखें सामने की तरफ। तो आइए व्यूवर्स, और समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पे, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसी कुछ है यहाँ से इन्फॉर्मेशन। तो आने वाला जो कि दिन है, यहाँ पे बारिश होने वाली है नैनीताल में काफ़ी ज़्यादा, और वेदर फोरकास्ट तो कुछ ऐसा ही है। तो अगर आप नैनीताल आने की प्लानिंग करें तो बहुत ही अवेयरनेस के साथ आपको रास्ते में जो कि हाईवेज़ में आना है, और टू व्हीलर्स राइड अवॉइड करना है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, और क्योंकि वो जब अवॉइड करना है जैसे कि बारिश हो रही हो और रास्ते गीले हों, तो आप इस तरफ को थोड़ा सा कुछ टाइम रुक करके जब बारिश थम जाए तो टू व्हीलर्स में देखें, और बहुत ही कम स्पीड में आप लोग राइड करें। तो मैं काफ़ी देखता हूँ कि हाईवेज़ में लोग बहुत ही ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, और बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं एकदम, जो कि वो प्लेन्स के हिसाब से ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर स्पीड एकदम नहीं चलता है, क्योंकि मोड़ों में आपको बहुत ही स्लो करना पड़ होता है गाड़ी मिनिमम, क्योंकि आप दूसरी गाड़ी को भी पास दें ताकि, और आप कहीं गलत जगह पे भी ना हो ताकि जाम ना लगे। तो ऐसा कुछ है। तो चलिए फिर, जो भी आप लोग नैनीताल आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको हैप्पी जर्नी, और बारिश में देखें मैंने आपको जो भी प्रिकॉशंस दिए हैं वो आप लोग ज़रूर फॉलो करना। और चलिए बहुत जल्द मिलूँगा अपने नए वीडियो में, और ऐसे देखते रहिए आप लोग मेरे वीडियोज़, और आप लोग अपना ध्यान रखिए।